की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। T20 के सिकंदरों की वतन वापसी हो गई है। IGI एयरपोर्ट पहुंची है टीम इंडिया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय भी आज लिया है। आज मुंबई भी टीम इंडिया पहुंचेगी, विक्ट्री परेड निकालेगी, वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंड वेलकम किया गया है, लहरा दिया गया है तिरंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया लौट आई है वापस भारत, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जब टीम इंडिया भारत लौटी है, टीम इंडिया का जोश हाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम भी है। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिलेंगे टीम इंडिया के सिकंदर। वो तस्वीरें, एक तरफ जो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जो ट्रॉफी उन्हें मिली थी वो ट्रॉफी उनके हाथ में नजर आ रही है, और दूसरी तरफ जब वतन वापसी हुई है उनकी उस दौरान की तस्वीर। आज मुंबई में विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी। तो T20 के सिकंदर वतन वापसी उनकी हो गई है, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भारतीय टीम वापस लौट आई है। आज उनकी विक्ट्री परेड निकाली जाएगी मुंबई में, विक्ट्री परेड। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात होगी। वहां पर चाय के चुस्कियों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी नजर आएंगे। कप्तान रोहित शर्मा नजर आएंगे, विराट कोहली नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, और इन तस्वीरों में भी आप उन्हें देख पा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं, और विराट कोहली को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। रोहित शर्मा जो कप्तान थे, जिनकी कप्तानी में इतिहास रचा गया, 11 साल बाद कोई ICC ट्रॉफी जीती है भारत ने। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद जीता गया है। 2011 में वर्ल्ड कप जीता गया था, और आखिरी जो ICC ट्रॉफी जीती थी वो चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में भारत ने जीती थी 2013 में। MS धोनी की कप्तानी में वो ट्रॉफी जीती गई थी, उसमें भी रोहित शर्मा विराट कोहली थे, लेकिन उसमें बुमराह नहीं थे। बुमराह इस बार पहला अपना ICC टूर्नामेंट जीतते हुए नजर आए थे, और अब चूंकि वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, अब उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। तो पहले तो अंदर ही था, बहुत कोशिश करी कि अंदर से देख पाए, लेकिन सब बोल रहे थे कि नहीं होगा, बाहर से जाएंगे, बाहर से जाएंगे। तो ये बता रहे थे कि VIP लॉन्च में से भेज रहे थे हम लोग को, तो VIP लॉन्च में बैठे हुए थे। ओके, तो वाकई में यहाँ पे बहुत कहा जा सकता है खुशनुमा माहौल जो है वो देखा जा सकता है। और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हुआ, यहाँ पर काफी और भी जो अन्य जो लोग हैं, एक यहाँ कुछ और भी लोगों से मैं दिखाना चाहूंगा कि देखा जा सकता है कि बहुत ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और अपने तमाम फैंस का जो कहा जा सकता है क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, आज वो भी इस चीज को देख करके बेहद खुश नजर आए। एक मिनट, कुछ इतना लेट क्यों आया सर? हाँ जी सर, तो आप ना सर बहुत एक्साइटमेंट है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपने स्टार्स का, तो विराट दिख जाए सर, बट और कुछ नहीं सर, और ट्रॉफी दिख जाए वर्ल्ड कप की रखी हुई आगे। विराट हो, अर्शदीप हो, रोहित शर्मा, बुमराह, नया कंटेंट लाया। प्यार तो बहुत है सर, पूरी टीम के लिए प्यार है, सबने एफर्ट दिया है तभी हम वर्ल्ड कप जीत पाए। पर वो इतना कि आपका एक फेवरेट प्लेयर होता है, तो सर वो मेरा विराट कोहली है, और एक ट्रॉफी दिख जाए बस सर। और सर आप देखिए सर, देखिए रात भर से रुके हैं सिर्फ एक झलक के लिए, एक ट्रॉफी दिख जाए हमें बस। 3 बजे से आए सर, 3 बजे से हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे टीम का। कितने यहाँ पे सर? हम यहाँ 3 बजे से आए, 2 बजे से उठ के अपने, एक आदमी भी नहीं था इधर सबसे सर। जब यहाँ एक रिपोर्टर सर, भी नहीं सर जिस टाइम में आए थे उस टाइम में यहाँ बस 4-5 लोग थे, फिर आज हम देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ हो गया आज इतने लेट के बाद। ये दीवानगी है क्रिकेट के प्रति, ये दीवानगी है अपने वतन के लिए, और कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है कि कई किलोमीटर ये लंबी लाइन है, और जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो कहा जा सकता है कि दर्शक हैं वो अपने अलग अलग रंग में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भारत आर्मी, आप देखिए सर एक्साइटमेंट देखिए, एक बार भाई दिखाओ एक्साइटमेंट भैया को अपना कितना। इंडिया 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 इंडिया, जय माता की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मातरम। अरे नहीं देखो अब अब भाई लेट कर रहे हैं, आजो भी आजो घंटे तो ये जो जो शखुमारी जो है ये भारतीय टीम की है, भारत के तमाम जो लोग हैं आज खुले दिल से इंतजार कर रहे हैं कि जब यहाँ पर क्रिकेट टीम यहाँ पर जब आएगी, जब इंडियन टीम जब आएगी तो उसके स्वागत के लिए तमाम लाइन जो है वो देखा जा सकता है, कई किलोमीटर तक लगभग कहा जा सकता है कि किलोमीटर तक ये लंबी लाइन है और यहाँ पर हर कोई आज भारतीय टीम का स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, कुछ छोटे फैंस भी पहुंचे हैं। कब से खड़े हो यहाँ पे? 6 o'clock. आज किससे मिलना चाहोगे, विराट या कोहली? कोहली से। कहाँ रहती हैं और कब से खड़ी हैं आप? दिल्ली में ही सफदरजंग एनक्लेव, 6 बजे से यहाँ खड़े हैं। ये दीवानगी आपकी है या बच्चे या आप दोनों की? दोनों की। वो देखी जा सकती है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ये कोशिश की गई है। देखिए ये बैरिकेड्स जो ये लगाए गए हैं और बैरिकेड्स के साथ साथ जो यहाँ पर कोई कोशिश की जा रही है, ये फैंस क्या है, तुलसी ना जाओ जी, बड़ा अच्छा स्लोगन लेके आए हो। ये राहुल द्रविड़ सर के लिए, रोहित शर्मा सर के लिए, विराट कोहली सर के लिए और जडेजा सर के लिए है, क्योंकि कोचिंग, फील्डिंग, बैटिंग और कैप्टनसी, सो दीज आर दी फोर पिलर्स ऑफ इंडिया टीम, सो दिस इज फॉर देम। अब क्या लग रहा है, 2020 की बात हो रही है, 2020 में अब कोहली की कमी खलेगी और इसके साथ साथ जडेजा। किसी को भी उस लेवल तक आने के लिए बहुत समय चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया जा रहा है और डीसीपी खुद मौके पे है, डीसीपी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं जो है वो देखी जा सकती है और लोगों के अंदर में जो जोश है, उमंग है, जुनून है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय टीम का खुले दिल से हर कोई स्वागत करने के लिए यहाँ पर, चाहे महिलाओं की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो हर कोई आज स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और बस में बैठे हुए विराट कोहली पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि दिल्ली का आज जो मौसम है वो थोड़ा सा। जी जी बाहर निकल चुके हैं और इनका इंतजार करने के लिए जो वहां पर फैंस है वो भी खड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पहली झलक विराट कोहली की, यहां पर एयरपोर्ट्स कानों में लगाए हुए बैठे हुए अभी पानी पीते हुए नजर आ रहे थे अंदर। यहां विराट कोहली एयरफोन लगाए हुए गाने सुन रहे हैं, लेकिन इससे बाहर अगर देखें तो उनके फैंस उनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो निकलें, एक झलक फैंस को दें और इसके बाद फैंस खुश हो जाए। हालांकि आपको बता दें इसके बाद कई कार्यक्रम हैं क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो ये न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए ये बस लगी हुई है, इसी बस से इंडियन क्रिकेट टीम आई है और ये IGI एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी की गई है, फैंस वहां पर मौजूद हैं, मीडियाकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए ये वही बस है जिससे इंडियन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो लाए गए हैं। देखिए इसके अंदर सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, सभी अंदर आराम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बाहर देखिए बस के बाहर से उनके फैंस में कितना ज्यादा उत्साह है, उनको उनकी एक झलक पाने के लिए, अपने अपने फैंस की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से बेसब्री से कहे तो आधी रात से ही इंतजार कर रहे हैं। वहां पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, तस्वीर आप देख रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने झंडा गाड़ दिया और इंडिया ने 11 साल के बाद ट्रॉफी अपने हाथ में ली है, तो इसको लेकर पूरे देशवासियों में काफी उत्साह है, पूरे देशवासी अपने क्रिकेट टीम पर गर्व कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बस की तस्वीर, इंडियन क्रिकेट टीम
इसके अंदर मौजूद है, बैठी हुई है, आराम कर रही है और उसके बाद कार्यक्रम है खूब सारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो ये हुजूम देख पा रहे हैं वो फैंस का हुजूम है और जैसे जैसे काफिला टीम इंडिया का आगे बढ़ रहा है उसके पीछे पीछे फैंस भाग रहे हैं और ये दीवानगी है क्रिकेट की क्योंकि विश्व कप भारत आया है। 17 साल बाद T20 विश्व कप भारत आया है और उसके बाद जो फैंस है वो सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर थे क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद जो टीम इंडिया होती है वो मुंबई में लैंड करती है लेकिन इस बार दिल्ली में उतरे हैं और उसकी एक वजह यह भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीम इंडिया से मिलना चाह रहे हैं और जैसे ही जब वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती थी उसके बाद प्रधानमंत्री ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के कोच हैं उनसे बातचीत भी की थी। हालांकि ये कई खिलाड़ियों का आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें विराट कोहली शामिल है, जिसमें रोहित शर्मा शामिल है, जिसमें कोच या गुरु कहने राहुल द्रविड़ इसमें शामिल है, सर रविंद्र जडेजा भी इसमें शामिल है। इन सभी ने अपना संन्यास अनाउंस कर दिया है जबकि राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो वो बतौर कोच ये उनका आखिरी टूर्नामेंट था जिसे वो जीतने में सफल रहे। लेकिन जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं वो फैंस विराट कोहली को देखने आए हैं चूंकि विराट कोहली दिल्ली से ही है, दिल्ली के लोकल बॉय है और जब वो अपने दिल्ली में जब आज उतरे तो फैंस उनके एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। एक वो होर्डिंग भी हमने आपको दिखाई जिसमें लिखा था तुसी ना जाओ और ये वो होर्डिंग थी विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, सर रविंद्र जडेजा के लिए। तीनों ने ही अपना जो संन्यास है वो अनाउंस कर दिया, वो T20 क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और जो हुजूम है इस समय वो कई किलोमीटर लंबा है, हमारे संवाददाता शंकर आनंद बता रहे हैं ये कई किलोमीटर लंबा है और ऐसे में इस हुजूम को चीरते हुए जो भारतीय टीम है उसे निकलना होगा। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक जो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितना ज्यादा उत्साह है क्रिकेट फैंस में वो पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं और जब एयरपोर्ट से निकलने के बाद बस में बैठे थे खिलाड़ी दूसरी तस्वीर उस दौरान की है। एक एक कर सब खिलाड़ी बस में बैठे, उसमें विराट कोहली की तस्वीर हमने आपको दिखाई पानी पीते हुए नजर आए थे। लेकिन पहली तस्वीर पर जरा गौर करिए कितना लंबा हुजूम इस समय फैंस का नजर आ रहा है, कितनी दीवानगी है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है।